दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आणि वेकोलीच्या CHP जुना बंकर व न्यू साइडिंगच्या प्रदूषणा विरोधात परिसरातील नागरिकांना घेऊन घुगुस काँग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी आणि कामगार नेते सय्यद अनवर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी 11 ते 1 वाजेपर्यंत कारगिल चौक रेल्वे गेट समोर सुमारे 2 तास बैठा आंदोलन करण्यात आलं। वेकोली मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या, वाहतूक रोखून धरण्यात आली, यामुळे परिसरात वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या। यामुळे वेकोलीला लाखो रुपयांचा फटका बसलाय। दुपारी 1 वाजता वेकोली सब एरिया मॅनेजर पुलारे यांनी ठाणेदार बबनराव पुसाटे, काँग्रेस पदाधिकारी आणि नागरिकांसमक्ष 8 दिवसात प्रदूषण नियंत्रण करण्याचे लिखित आश्वासन दिल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले। काँग्रेसने आंदोलनाचे रितसर निवेदन देऊन प्रसार माध्यमातून पोर्टल आणि बातम्यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली, मात्र भाजप नेत्यांनी कुठल्याही प्रकारे सूचना न देता सकाळीच प्रदूषण विरोधात आंदोलन सुरू केल्याने काँग्रेस आणि भाजप आमने सामने आल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले। एकाच मागणीला घेऊन रस्त्याच्या एका बाजूला काँग्रेस तर दुसऱ्या बाजूला भाजप नेते बसल्याचे आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळाले। पता तो चले कि क्या कैसी जिंदगी जी रहे वहां लोग। अरे साहब, खाना नहीं खा सकते, उनके खाने में कोयले का डस्ट रहता है, सो नहीं सकते वो बेचारे, लेकिन रात को 8 बजे से 12 बजे तक आप लोग रोज रात में कोयले का डस्ट छोड़ते, पानी नहीं मारना होता, क्या क्या करेंगे आप लोग। ये माता देवी का रोड, आज कितने लोग मर गए, कितने लोग गड़ गए, इसके पहले भी हमने वहां पे रास्ता रोको आंदोलन किया था। आखिर कब तक के लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे? आप इतना देखिए, माइंस यहाँ नहीं है बोल करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यहाँ माइंस है, साइडिंग है, यहाँ से कोयला जा रहा है, हमारे सड़कों से कोयला जा रहा है, हमारे लोगों की जान जा रही है। इसके ऊपर आपको कड़क एक्शन लेना पड़ेगा और पानी दिन भर चलना चाहिए। ये क्या मतलब है, एक टैंकर आधा टैंकर आप लोगों से नहीं होता क्या? यह हमारी जिम्मेदारी है क्या? हमने टैंकर लगाना चाहिए वहाँ? WCL का भिखारी कंपनी है क्या? ऐसा बोलो तो हम चंदा जमा करके देंगे आपको। कितने रुपया रुपया नहीं नहीं बराबर है, बोलने दो उनको, बोलने दो। हम लोग पूरा कर रहे हैं, आप पूरा लगा। सर आप पूरा करते ना, हमको यहाँ नहीं रहना पड़ता और आपको भी नहीं रहना पड़ता यहाँ पर। धूप काले के समय में थोड़ा समस्या हो सकती है। ये पब्लिक ने कितने बार रिक्वेस्ट किया, और सर एक बात बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारी माँ बहनें ड्यूटी करती है WCL के अंदर में, इन लोगों के गुस्से का उनको शिकार होना पड़ता है। हमने इनको समझाया कि आप उनको मत बोलो, ये हमारी समझदारी है, लेकिन वो बेचारे वहाँ पे परेशान होते हैं। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, और एक हफ्ता अगर आप जबान से पलटे तो फिर लिखित में चाहिए। एक चूर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो WCL में अब लेडीज आएंगी। बराबर, बिल्कुल सही बात है, अम्मा सही बात है। सम्मानीय पुसाटे साहब को हम लोग बड़े संख्या में यहाँ आने वाले थे। कल WCL के प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कुछ औद्योगिक कंपनियां चलते हैं और पोल्यूशन भी होता है, उसमें एक WCL कंपनी है जो नाइंडा लगा गांव के जो गांव पर, वहाँ पर एक बस बंकर से निरंतर डस्ट निकलता है। इवन के घर में नाच पर उसके अंदर भी उनके घर के अंदर में लेके सब कुछ गिरता। साइडिंग है, साइडिंग में इतनी रोज हजारों गाड़ी में कोयला डंप किया जाता है, रैक में भर के भेजा जाता है, वहाँ पर भी ये लोग पानी छिड़काव नहीं करते। साथ ही साथ तुम्हारा माता देवी रोड के ऊपर में हजारों की संख्या में 40-40, 50-50 टन के गाड़ियाँ जो चलते है, लोगों को जान को हानिकारक भी हो रहा है, कई एक्सीडेंट भी हो गया। आज हम घुगुस कांग्रेस कमेटी के ओर से धरना आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन किया, उस चीज पर WCL प्रशासन उतर के आई है। उन्होंने 7 दिन की समय मांगी और उन्होंने एक लेटर भी दिया कि 7 दिन के अंदर करेंगे। अगर इस 7 दिन में अगर WCL बास नहीं आती तो हम लोग आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन करेंगे। और एक आश्चर्यपद ऐसा है कि आज हम लोग आंदोलन करने वाला है, 7 दिन से सभी को मालूम था, लेकिन घुगुस की एक पक्ष यहाँ पर आके आंदोलन करके सभी को चौंका गया है। और ऐसे ही लोग WCL को मदद करना है तो पक्ष पार्टी चलाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को मदद करना चाहिए। फिर भी आज के आंदोलन सक्सेस हुआ, सभी आए हुए लोगों को धन्यवाद देता हूँ, यही रुकता हूँ। महाराष्ट्र TV24 साठी प्रभाकर कुम्मरी, घुगुस। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियां
दिव्य वन औषधि जड़ी बूटिया तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वस्तरीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतवरी फार्मेसी, धूत पापेश्वर, बैद्यनाथ सांडू, व्यास पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर चिरायु, मधु डायबिटीज, चूर्ण हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर